तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड इन्फिनाइट वायर देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड एक हॉलो इन्फिनाइट वायर की वजह से देखा था, ठीक है। तो अगेन वी विल बी यूजिंग गाउसस लॉ टू कैलकुलेट दैट। तो व्हाट इज द सिचुएशन, वी हैव एन इन्फिनाइट वायर विच इज सॉलिड, मतलब उसके चार्ज अंदर है, दिस इज अ सॉलिड इन्फिनाइट वायर। लेट से ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, तो ये इसका क्या हुआ, रेडियस कैपिटल आर, ओके। वेयर इज द चार्ज इन इट, इस पर जो चार्ज होगा, ऑल द चार्ज इज इनसाइड इट, ठीक है। ओके, सारा चार्ज इसके अंदर है। तो सबसे पहले इसमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग कैसे चार्ज डेंसिटीज डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन टू चार्ज डेंसिटीज, वन इज ऑफ कोर्स लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी लैम्डा, एंड दूसरा कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, रो। तो लेट्स सिलेक्ट अ स्मॉल सिलेंड्रिकल एलिमेंट हियर। तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लेता हूँ लाइक दिस, इस तरह से इसका थिकनेस ले लेते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज है उसको ले लेता हूँ डेल्टा क्यू। तो व्हाट इज डेल्टा क्यू हियर, डेल्टा क्यू इज गोइंग टू बी लैम्डा के टर्म्स में क्या होगा, लैम्डा डेल्टा एक्स, एंड व्हाट इज द इन टर्म्स ऑफ रो, रो इट इज गोइंग टू बी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इज डेल्टा एक्स। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर, वील बी यूजिंग दिस लेटर ऑन, ओके। नाउ तो सबसे पहले अभी हम लोग को क्या करना है, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। नाउ एक चीज़ तो मैं क्लियरली तुमको बता दूं कि फील्ड आउटसाइड कैलकुलेट करने में हमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट अ हॉलो इन्फिनाइट वायर या फिर एक थिन इन्फिनाइट वायर, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी द, यू कैन सी द सिमिलरिटी, ओके। तो बाहर का आउटसाइड वाला आई कैन क्लियरली राइट फॉर आउटसाइड, आउटसाइड के लिए केस में सीधा सीधा लिख सकता हूँ, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर 2 के लैम्डा बाय आर, इट इज सी, यू कैन सी दैट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैं इसको डिराइव करने का जरूरत नहीं, द सेम डेरिवेशन जो मैंने हॉलो इन्फिनाइट वायर के लिए यूज़ किया था सेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें अभी अगर आपको लैम्डा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, यू कैन डू दैट। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो रो पाई आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट करता हूँ, पाई पाई कैंसिल, तो यू कैन ऑल्सो राइट रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। सो दैट इज द फील्ड आउटसाइड। नाउ व्हाट अबाउट फील्ड इनसाइड, फील्ड इनसाइड दिस वन। नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स सिलेक्ट गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस अगेन क्या रहेगा, एक सिलेंडर रहेगा। नाउ यू कैन सी दैट नॉट ऑल द चार्जेस इनसाइड इट, ठीक है। इसका लेंथ ले लेते हैं एल एंड इसका रेडियस ले लेते हैं आर। आई कैन क्लियरली सी कि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट सर्फेस एंड लोअर सर्फेस पे फ्लक्स क्या रहने वाला है, जीरो, बिकॉज ऑब्वियस रीजन्स, फील्ड इज रेडियल एंड इधर फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो, इधर भी फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो। सो आई डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट। बट बाई देखो कि यहाँ पे अगर मैं इधर एक एलिमेंट लेता हूँ, तो इधर जो एरिया एलिमेंट है वो, दैट इज एरिया वैक्टर है वो डी ए ऐसा रहेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल लाइक दिस, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इस सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। नाउ तो इनसाइड के लिए, फॉर इनसाइड केस, मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, व्हाट कैन आई से, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स टोटल कितना रहेगा, ई इंटू टू पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड इट, इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना रहेगा, दैट इज रो टाइम्स उस सिलेंडर का वॉल्यूम।
राइट, रो मल्टीप्लाइड बाई उस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो रो के रो इंटू उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, इट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर टाइम्स एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ से देखो क्या आ गया अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो, एल एल कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, व्हाट डू आई हैव, रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, आई कैन राइट इट एज रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, या फिर अगर तुमको लैम्डा के टर्म्स में लिखना है तो देखो क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज रो को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा आर बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ जो मुझे बताना है, इसके अंदर जो फील्ड है इट इज रेडियल, ठीक है। दिस पर्टिकुलर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज रेडियल। तो अगर डायरेक्शन रेडियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मैग्नीट्यूड रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप लिख सकता हूं। नाउ व्हाट इज आर इनटू आर कैप, इट इज आर वेक्टर, तो यहां से अपने को क्या मिल गया, ई वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू रो आर वेक्टर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। सो दिस इज द फील्ड, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना है तुमको ये चीज, ठीक है, रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन तो हाउ वुड इट लुक लाइक, यू कैन सी दैट टिल कैपिटल आर, मतलब सरफेस पहुंचने तक ये कैसा रहेगा, डिफरेंट, एंड उसके बाद डिफरेंट रहेगा। नाउ आउटसाइड दिस आर के बाद व्हाट इज द केस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहां फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाय द वे व्हाट इज हैपनिंग हियर, इधर क्या हो रहा है बताओ, इधर देख सकते हो कि इट इज ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो इफ ई इज प्रोपोर्शनल टू आर मतलब ये ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है, ई इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू आर, ओके। तो यू कैन सी दैट द सिमिलरिटीज बिटवीन अ सॉलिड स्फीयर एंड स्फीयर एंड सिलेंड्रिकल इन्फिनाइट वायर, ठीक है, उसके सिमिलरिटीज देख सकते हो, सिर्फ कोएफिशिएंट्स में फ़र्क है। ऑलराइट, नाउ अगर मैं इसमें स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर लगा दूं तो ये देख क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम फील्ड इज गोइंग टू बी रो आर कैपिटल आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड इन्फिनाइट वायर, ओके, थैंक यू।